हेलो यूनिवर्स, माय नेम इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग रेसल टॉक। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के मंडे नाइट रो के बारे में, कौन कौन से हमें आज के शो में मैचेस देखने के लिए मिले और क्या हुआ अटैक, तो इस वीडियो में सारा ही कवर करेंगे। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं हल्क होगन से। हल्क होगन आते हैं मंडे नाइट रो में और रिको फ्लेयर भी आते हैं। तो जहाँ पर हमें एक मैच देखने के लिए मिला वो कौन सा था, रिकोशे वर्सेस द ड्रू मैकइंटायर। तो मैच शुरू होने से पहले जहाँ पर रिकोशे ने अटैक कर दिया ड्रू मैकइंटायर पर, तो हमें जहाँ पर थोड़ा सा जहाँ पर ब्रोल देखने के लिए मिला मैच के पहले, सो उसके बाद ऑफिशियली मैच हमें स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया। सो अगर बात करें इस मैच के बारे में तो सच में यार एक ये वाला मैच खतरनाक मैच था। ड्रू मैकइंटायर ने जहाँ पर काफ़ी सारे फ्लाइंग मूव्स दिए रिकोशे को, क्योंकि हल्क होगन और रिक फ्लेयर की टीम के बीच हमें एक मैच देखने के लिए मिलेगा क्राउन जोल में। तो उससे पहले हमें एक ऐसा मैच देखने के लिए मिलना ही था। ड्रू मैकइंटायर ने इस मैच में काफ़ी सारे रिकोशे को फ्लाइंग मूव्स दिए। एक टाइम ऐसा भी आया जब ड्रू मैकइंटायर रिंग से बाहर चले गए और वहाँ पर खड़े हुए थे हल्क होगन। दोनों ही ऐसा लगा कि हमें दोनों ही सुपरस्टार के बीच एक ब्रोल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। फिर से यहाँ पर मैच में ड्रू मैकइंटायर आ गए, लेकिन रिकोशे भी इस मैच में काफ़ी देर तक लड़ते रहे और वो किक आउट करते रहे। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस मैच में विनर कौन होता है, तो इस मैच में कोई भी विनर नहीं होता। जब एंडिंग में जाकर रिकोशे अपना फिनिशर मूव देने लगते हैं तो रिंग में आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन, वो दे देते हैं आरकेओ, तो जहाँ पर सारा ही मैच ख़त्म हो जाता है। सो अगले मैच की बात करते हैं, हमें एक और मैच देखने के लिए मिला जो था वुमन्स का, बैकी लिंच वर्सेस कैरी सेन। तो ये एक नई सुपरस्टार थी, तो कैरी सेन की और आस्का भी थी उनके साथ। अगर बात करें इस मैच की तो भाई ठीक ठाक ही था ये मैच। एक नए सुपरस्टार को मौका मिला बड़े सुपरस्टार के साथ रेसल करने का, और जहाँ पर कैरी सेन ने अपने फिनिशर मूव भी यूज़ किए, लेकिन बैकी लेन जहाँ पर किकआउट करती रही और कैरी सेन जहाँ पर शॉक होगी इस मैच। कैरी सेन भी इस मैच में काफ़ी देर तक रेसल करती रही, लेकिन अगर हम बात करें इस मैच के विनर की तो इस मैच में विनर होते हैं बैकी लेंच, जब वो अपना फिनिशर मूव यूज़ करती है कैरी सेन के ऊपर और इस मैच में जीत हासिल कर लेती है द बैकी लेंच। सो भी बात करते हैं हम अगले मैच की, तो अगला मैच आता है सेथ रोलिंस वर्सेज द एरिक रोवन, जो था फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच। तो हमें ये मैच मंडे नाइट रो पर देखने के लिए मिला, तो वैसे ये वाला मैच WWE ने पहले ही कन्फर्म कर दिया था। तो जैसे ही ये वाला मैच स्टार्ट होता है तो सेथ रोलिंस अपने मूव्स यूज करने लग पड़ते हैं, तो कभी किक, लेकिन एरिक रोवन अपनी जगह से हिल ही नहीं। सो अगर आपको नहीं पता कि फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच क्या होता है, फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच वो होता है आप रिंग से बाहर कहीं भी जाकर पिन कर सकते हैं। तो फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच लंबे चल ही जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ। रिंग में वो ज़्यादा नहीं लड़े, उसके बाद वो चले गए WWE यूनिवर्स में, वहाँ पर जाकर उन्होंने एक दूसरे को पंचेस लगाए, फाइट की, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी मज़ा नहीं आ रहा था। अब वो चले गए बैक स्टेज पर, बैक स्टेज साइड पर भी उन्होंने जाकर फाइट की, लेकिन वहाँ पर सेथ रोलिंस ने एक आयरन का यूज़ किया, उन्होंने उन पर उनसे अटैक किया, लेकिन वहाँ पर भी एरिक रोवन नहीं रुके। उसके बाद एरिक रोवन ने एक चोक स्लैम दे दिया टेबल पर, फिर वो कवर करने लगे, लेकिन सेथ रोलिंस ने वहाँ पर भी एक किक आउट किया, शायद उन्हें वहाँ पर भी मज़ा नहीं आ रहा था। वो फिर से WWE यूनिवर्स में गए और वहाँ पर हमें चेयर शॉट देखने के लिए मिले सेथ रोलिंस की ओर से, फिर से जहाँ पर हमें वो रिंग में रेसल करते हुए दिखाई दिए, और सेथ रोलिंस ने जहाँ पर फिर से किक से लगाई, अपने मूव्स यूज किए, कवर किया, लेकिन जहाँ पर एरिक रोवन फिर भी किक आउट करते रहे। उसके बाद वो चले गए अनाउंसमेंट टेबल पर। एरिक रोवन जैसे वहाँ पर सेथ रोलिंस को चोक स्लैम देने वाले होते हैं, वहाँ पर सेथ रोलिंस कर्ब स्टोन दे देते और करते हैं फिर से पिन, लेकिन एरिक रोवन वहाँ पर भी नहीं मानते। फिर से एक बार किक आउट देखने के लिए मिलता है, फिर हमें सेथ रोलिंस फ्लाइंग मूव्स देते हुए दिखाई देते हैं। एरिक रोवन एक है ही मॉन्स्टर भाई, ब्रॉन स्ट्रोमन के ब्रदर है, तो बार बार जहाँ पर हमें किक आउट दिखाई दिया एरिक रोवन की ओर से, लेकिन यार वो वहाँ पर भी नहीं माने। फिर वो चले गए फिर से एक बैक स्टेज पर, वहाँ पर हमें एक फाइट दिखाई दी देते हुए दोनों ही सुपरस्टार के बीच। बैक स्टेज पर एक खड़ी थी 4K लिफ्ट, तो सेथ रोलिंस ने उस लिफ्ट का यूज़ किया और वो लिफ्ट एरिक रोवन के ऊपर ही लगा दी और उसके बाद पिन किया, तो यहाँ पर जीत लेते हैं इस मैच को सेथ रोलिंस। वैसे यार सच में जो इस मैच की एंडिंग कुछ अलग सी थी, वैसे फैंस ने ऐसा एक्सपेक्ट किया होगा कि यहाँ पर हमें द फिएंड ब्रे वाइट इंटरफेयर करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। अगर मैं अपने टाइप से कहूँ तो शायद फिएंड ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं यार उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढूंगा, वो कभी यूनिवर्स में लड़ते हैं, रिंग में लड़ते हैं, बैक स्टेज जाते हैं, तो वैसे यार ये मजाक था।
आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी आज की मंडे नाइट रॉ और कौन सा सबसे बढ़िया मैच लगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।